आप सभी का स्वागत है करियर टेक एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, इसे कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, इसे हम लोग को कॉपी में लिखना है तो ये बताएंगे। जैसे कि ये वाला पेपर जो था S11, ये हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, ऑनलाइन ये पूरा पेपर हम लोग क्या कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया था, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हम आप लोग के लिए MS वर्ल्ड में लिख देते हैं, आप लोग बस इसको देखते रहिएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिएट एंड डिज़ाइन एडमिशन एंड इंक्वायरी फॉर्म यूजिंग शेप टेक्स्ट बॉक्स कलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, हमें क्या बनाना है, एडमिशन फॉर्म बनाना है। तो एडमिशन फॉर्म बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ यूज़ की थी वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये अगर क्वेश्चन वन है तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर वन, इंटर लिखेंगे, स्टेप वन, फर्स्टली वी ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, फर्स्टली वी ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर, फिर क्या करेंगे, स्टेप टू क्या है बच्चों, ठीक है, टाइप हेडिंग, ठीक है, टाइप हेडिंग एज इंक्वायरी फॉर्म विथ फॉन्ट साइज 32 एंड अप्लाई बोल्ड कॉमा सेंटर अलाइनमेंट एंड अंडरलाइन। ठीक है, अब स्टेप थ्री, ठीक है, अब हेडिंग हो गया है हमारा और हमने लिब्रे ऑफिस ओपन भी कर लिया, हेडिंग को सेंटर भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जाए तो आप ये लिख सकते हैं टू अप्लाई बोल्ड प्रेस ठीक है कंट्रोल प्लस बी, और सेंटर अलाइनमेंट क्या है बच्चों, कंट्रोल प्लस ई, और अंडरलाइन के लिए है आपका कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, स्टेप थ्री में आएंगे, हमने हेडिंग बना ली, अब हमें अलग अलग फील्ड बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे टाइप ऑल द फील्ड्स लाइक नेम कॉमा क्लास फादर्स नेम ठीक है मदर्स नेम ठीक है टाइप ऑल द फील्ड्स लाइक नेम क्लास फादर्स नेम मदर्स नेम एंड अप्लाई बोल्ड ऑन इट।
ठीक है। ड्रॉ अंडरलाइन विथ ड्रॉ अंडरलाइन विथ कंट्रोल प्लस यू एट एवरी फील्ड इंटर्ड इन योर फॉर्म, ठीक है। रेक्टेंगल बॉक्स एट द राइट हैंड कॉर्नर, ठीक है। अब ये हो गया कि ड्रॉ रेक्टेंगल बॉक्स एट द राइट हैंड कॉर्नर फॉर फोटो गो टू इंसर्ट मेनू, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट मेनू के बाद आप क्या करेंगे, देखिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे, अब फिर वहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, गो टू इंसर्ट मेनू और शेप, और फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, अप्लाई वाटर मार्क एज अप्लाई वाटर मार्क ऑन योर इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, गो टू फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद जाएंगे सिलेक्ट वाटरमार्क एंड टाइप योर वाटरमार्क, ठीक है। ये आपका हो गया है। अगर इसके अलावा आप कुछ उसमें अप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आंसर वन हो गया। अब क्वेश्चन टू देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिएट डेटा वैलिडेशन यूजिंग स्प्रेडशीट A1 से C5, ठीक है। क्या है आपका, A1 से C5 तक हमें डेटा वैलिडेशन लगाना था। तो अब इसके लिए कैसे करना है, अब इसके लिए शुरू करेंगे हम लिखना ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे आंसर टू, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं आंसर वन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है क्या क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा वैलिडेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, फर्स्टली ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क, फिर स्टेप टू क्या है, सेलेक्ट रेंज
फ्रॉम, अब क्या रेंज दिया इसमें, A1 से C5, A1 C5 ठीक है, देन गो टू डेटा मेनू एंड सेलेक्ट वैलिडिटी इन वैलिडिटी इन वैलिडिटी डायलॉग बॉक्स ठीक है। देखिए अब स्टेप टू हो गया सेलेक्ट रेंज फ्रॉम ये, और स्टेप थ्री क्या है, जब वैलिडिटी का डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो इन वैलिडिटी डायलॉग बॉक्स इन फर्स्ट फील्ड अलाउ वी चूज इन फर्स्ट फील्ड अलाउ वी चूज होल नंबर कॉमा इन सेकेंड फील्ड डेटा वी चूज वैलिड रेंज एंड इन थर्ड फील्ड मिनिमम एंड चलिए इन थर्ड फील्ड विथ इन थर्ड फील्ड मिनिमम वी चूज, और इसमें देखना है क्या है भाई, मिनिमम में वन है ना, वी चूज वन एंड इन फोर्थ फील्ड मैक्सिमम वी चूज 100 ठीक है। ये हो गया, हमने ये ले लिया, यहाँ पे ये लिख लिया ठीक है। स्टेप फोर, अब स्टेप फोर में क्या कह रहा है, फॉर द सेम रेंज स्पेसिफाई इनपुट मैसेज ठीक है, गो टू इनपुट हेल्प इन वैलिडिटी डायलॉग बॉक्स एंड टाइप, क्या टाइप करना है, और देखिए यहाँ पे क्या टाइप करना है भाई, यू हैव टू इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 100 ठीक है। यहाँ पे लिखना है यू हैव टू इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 टू 100 ठीक है।
ये हो गया एरर मैसेज, एक एरर मैसेज भी देना है। तो इसके लिए नीचे आएंगे, ठीक है, इसके लिए नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फाइव। फॉर एरर मैसेज, ठीक है, गो टू एरर अलर्ट इन वैलिडिटी डायलॉग बॉक्स एंड राइट एनी एरर मैसेज लाइक दिस इज नॉट अ वैलिड इनपुट। ठीक है, ये भी हो गया आपका, पूरा हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें कंप्यूटर जनरेशन के बारे में लिखना है। इसमें क्या करना है, अब फ्लाइंग वो लगाना, ठीक है। अब इसको कैसे करना है देखिए, अब यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर थ्री। क्या लिख देंगे बच्चों, आंसर थ्री। प्रेजेंटेशन अब यहां पे लिखेंगे फर्स्टली वी ओपन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, फिर स्टेप। अब क्या कह रहा है कि फाइव स्लाइड, ठीक है, इंसर्ट फाइव स्लाइड्स विथ कंट्रोल प्लस एम। And all slides layout and all slides layout will be title and content. ठीक है, राइट अबाउट written about written about computer generation in all the five slides, ठीक है। अब स्टेप फोर में क्या कह रहा है, स्टेप फोर में कह रहा है कि अब इसमें क्या क्या कह रहा है देखिए, कंप्यूटर जनरेशन हो गया, प्रेजेंटेशन फाइव स्लाइड हो गया, वन फॉर ईच जनरेशन, ठीक है। द टेक्स्ट शुड बी अप्लाई फ्लाइंग इन वन स्लाइड सो इज रन, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें फ्लाई का एनिमेशन लगाना है। तो ये कैसे होगा, तो इसमें लिखेंगे देन
देन अप्लाई फ्लाई इन एनिमेशन फ्रॉम साइड बार और इंसर्ट मेनू, ठीक है। टू एक्टिवेट एनिमेशन क्लिक ऑन योर कंटेंट, ठीक है, देन गो टू एड, एड के पास ये सिंबल बना रहेगा, ठीक है, सिलेक्ट फ्लाई इन फ्रॉम ड्रॉप डाउन बॉक्स, ठीक है, ये आप ऐसे लिख देंगे। और क्या कह रहा क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, ठीक है, व्हेन स्लाइड शो इन रन, ठीक है, हो गया, ये आपका लिखने का ये पूरा है आपका, ठीक है। आंसर वन आपका राइटर है, ठीक, आंसर टू आपका कैल्क है, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है कि हम अपने पेपर में प्रैक्टिकल जब सॉल्व कर लेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे, ये आपका तरीका है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।